हेलो फ्रेंड्स, क्लासिक कुजीन में मैं नीता पाटिल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ एक अलग टाइप का लड्डू। जी हाँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है। इसे कन्नड़ में मालेदी और गुजराती में चूरमा लड्डू भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यूज किया है। अगर ये ना हो तो आप सूखा खोबरा भी ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब ये अच्छे से रोस्ट भी हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसे अलग से एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब हम 2 चम्मच बड़ी सौंफ लेंगे और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब ये रोस्ट किए हुए नारियल और बड़ी सौंफ को हम अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब हम गेहूं के आटे की चपाती बनाएंगे। मैंने यहाँ लड्डू बनाने के लिए मीडियम साइज के करीब 7 से 8 चपाती बना लिए हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद इन चपाती को टुकड़ों में काट के इन्हें मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। इसे और थोड़ा बारीक पीस लेते हैं। अब ये परफेक्ट है। अब इसे थोड़ी देर के लिए एक अलग बर्तन में निकाल के रखते हैं। ये गुड़ को मैंने इस तरह चिप्स में काट लिए हैं। अब इसे ये कटोरी से मेजरमेंट करके मिक्सर में फिर से डाल देंगे। ये लगभग 4 कटोरी चूरमा तैयार है। ये 4 कटोरी चूरमा के लिए मैंने 2 कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ की मात्रा आप अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब ये चूरमा और गुड़ दोनों को साथ में मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। याद रहे, खोबरा और बड़ी सौंफ का पाउडर उसी के साथ ग्राइंड करना है। इस मिक्सर को अलग बर्तन में निकाल के अच्छे से इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब इसका छोटा या बड़ा कोई भी साइज का आप लड्डू बना सकते हो। अब ये चूरमे की लड्डू रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।